कोई आदमी नहीं है, जानवर है हम, बस याद रखना ये बात है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? ऐसा क्यों कह रहे हैं? आदमी को पेशाब करने दे रहे हैं। इरफान सोलंकी को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में हलचल मची हुई है। इसी दौरान इरफान सोलंकी ने मीडिया से ऐसी बात कह दी जिसे जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। दरअसल इस्तीफे को लेकर सियासत के बीच एक बार फिर से कानपुर कोर्ट में इरफान सोलंकी की पेशी थी। रात 2 बजे इरफान को महाराजगंज से लेकर पुलिस निकली और 10 बजे कानपुर कोर्ट पहुंची। इरफान ने गाड़ी से निकलते ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जानवर हो गए, पेशाब भी नहीं करने देते। वहीं इरफान से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री के लिखे गए पत्र के बाबत मालूम है और उन्हें अल्लाह से न्याय की उम्मीद है। इसके साथ ही अखिलेश यादव पर पूछे गए सवाल पर इरफान सोलंकी ने कहा कि अखिलेश उनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, अखिलेश यादव परिवार का हिस्सा है। इसी के साथ उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऊपर वाला है और इंसाफ अभी जिंदा है। कोई आदमी नहीं है, जानवर है हम, बस याद रखना ये बात है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? ऐसा क्यों कह रहे हैं? आदमी को पेशाब करने दे रहे हैं भाई। मुख्यमंत्री तो वही, अखिलेश जी तो है नहीं, अखिलेश जी को लिखते हैं। अखिलेश जी तो साथ परिवार का हिस्सा है। अखिलेश जी ऊपर वाला है और इंसाफ जिंदा है, ऊपर वाला है और इंसाफ जिंदा है। गौरतलब है कि इरफान सोलंकी जब भी पेशी पर आते हैं भारी भीड़ देखने को मिलती है। मीडिया से घिरे इरफान सोलंकी ने आज जो इल्जाम लगाया है वो इतना बड़ा है कि इस पर जवाबदेही तो बनती है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।